हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आरसी देवीवाल, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी सीकर। जैसा कि आपको सबको पता है कि एडवांस जेई एडवांस के लिए सीएलसी 2016 टू 2019 के प्रीवियस ईयर के पेपर को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आपने फिजिक्स और मैथ दोनों के पेपर्स आपने देख लिए होंगे। आज मैं बात करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने 2016 से 2019 तक जो क्वेश्चन आए हैं उनको हमने टॉपिक वाइज क्लासिफाई किया है, और हम टॉपिक वाइज तीन टॉपिकों में हम उसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है अपने पास नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी और हाइड्रोकार्बन। मतलब इन चारों टॉपिक से इन तीन सालों में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ डिटेल से स्टडी करेंगे, और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, और उस क्वेश्चन के अराउंड जो भी कंसेप्ट आएगा उस कंसेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये जो क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, आपको चार कंपाउंड दिए हुए हैं और इन चारों कंपाउंड की एसिडिक ऑर्डर हमें डिफाइंड करनी है। तो एसिडिक ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ एसिडिटी शो कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी शो कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी शो कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ भी शो कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एसिडिटी शो करेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड है सभी में। अब हम ये बोलते हैं कि एसिडिटी को अगर हमें चेक करना है तो एसिडिटी वो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो प्रोटोन डोनेट करने के बाद उसका जो कॉन्जुकेटेड बेस है वो स्टेबल होता हो। तो अगर मैं यहाँ पे 1, 2, 3 पे तीन ग्रुप है तो आपने पढ़ा होगा जब बेंजीन रिंग पे बल्कि तीन ग्रुप लगे हुए हों तो वो कंपाउंड सर इफेक्ट शो करता है। मतलब ये बोल रहा हूं कि इस कंपाउंड में सर इफेक्ट है, ये सर इफेक्ट शो करेगा। इस कंपाउंड में ऑर्थो इफेक्ट है, ये ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा। ये सिंपल सा है OH, जहां मेटा पोर्शन पे इसके रेस्पेक्ट में तो इसका माइनस आई लगेगा, और ये OH यहां इसके पैरा पोर्शन पे है तो यहां से प्लस आर और माइनस आई इस ग्रुप का लगेगा। सर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। मतलब ये बोल रहा हूं कि इन तीनों ग्रुप के बीच में रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन से बचने के लिए ये जो COH ग्रुप है ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, रिंग के साथ ये रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। मतलब ये तीनों ग्रुप जैसे ही ये कंपाउंड एसिडिटी शो करेगा, आपको पता है ये वाला कंपाउंड बनाएगा एसिडिटी शो करने के बाद, और यहां OH लगा हुआ है और यहां OH लगा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं इन तीनों ग्रुप के रिपल्सन के कारण, इन तीनों ग्रुपों में रिपल्सन के कारण ये जो CO- ग्रुप है ये रिंग के साथ क्या नहीं है? प्लेनर नहीं है। प्लेनर नहीं है तो ये रिंग का रेजोनेंस क्या हो गया? बंद हो गया। इसी को बोलते हैं हम सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इन तीनों ग्रुप में रिपल्सन के कारण, स्टेरिक रिपल्सन के कारण यहां रेजोनेंस में इनहिबिशन आ गया। अगर ये इनहिबिशन आया तो केवल इस पार्ट में रेजोनेंस होगा और इस पार्ट में रेजोनेंस होगा, तो ये रेजोनेंस होगा तो केवल इसी पार्ट में होगा, रिंग का रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं होगा। और जब इसके साथ रेजोनेंस होगा तो आप देख सकते हैं कि क्या बनेगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बन रहा है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। सिर्फ यहां OH, ये भी सर इफेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब सर इफेक्ट का छोटा रूप है, वो एक्सटेंड कंडीशन है ऑर्थो इफेक्ट की। यहां भी ऑर्थो पे मैंने ग्रुप लगाया तो यहां भी क्या होगा? रिपल्सन होगा, और रिपल्सन से यहां भी COH ग्रुप क्या जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन जाएगा। तो यहां भी ये आउट ऑफ द प्लेन गया, बट जितना आउट ऑफ द प्लेन ये ग्रुप जाएगा, हम यहां पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि यहां दो OH का रिपल्सन लगेगा जिससे ये CO माइनस रिंग के साथ रेजोनेंस की, रिंग के साथ रेजोनेंस दिखाने की कंडीशन बहुत कम हो गई। कम क्यों हो गई? क्योंकि यहां दो OH का रिपल्सन लग रहा है, यहां केवल एक OH का रिपल्सन लग रहा है, तो उसके कंपेरिजन में यहां रेजोनेंस में इनहिबिशन कम आया है। तो इसका मतलब हो सकता है कि इसमें कुछ रेजोनेंस इधर से भी हो रहा हो, और अगर इधर से रेजोनेंस होगा
तो इसकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा। तो यहां भी अगर रेजोनेंस इस पार्ट में होता है तो इक्विवेलेंट, रिंग के साथ होता है तो अनइक्विवेलेंट। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितनी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां बनेगी जिस परसेंटेज रेशियो के साथ, उतनी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी यहां नहीं आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि किसका कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाले का कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब फर्स्ट मोस्ट एसिडिक होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड वाला जो कंपाउंड है, मैं बोल रहा हूं ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, तो फिर सेकंड क्यों हुआ उसका रीजन बोल दिया है, क्योंकि यहां भी ऑर्थो इफेक्ट के कारण इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का परसेंटेज आने की पॉसिबिलिटी है। यहां सिंपल कंसेप्ट क्या पढ़ते हैं हम, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच और प्लस आई। तो यहां माइनस आई लग रहा है, यहां प्लस आर लग रहा है, तो उसके बाद फर्स्ट सेकंड और उसके बाद हो जाएगा थर्ड, और सबसे कम एसिडिक हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। होपफुली कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सर इफेक्ट इन्वॉल्व है, ऑर्थो इफेक्ट इन्वॉल्व हुआ है। सर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि लगातार तीन ग्रुप लगे हो, 1-2-3 पोजीशन पे या 1-2 पोजीशन पे ग्रुप लगे हो, डिपेंड करेगा। बेसिकली सर इफेक्ट पूरी तरह डिपेंड करता है साइज के फैक्टर पे, जितना बड़ा साइज ग्रुप का होगा रेजोनेंस में इनहिबिशन उतना ही ज्यादा आएगा। तो यहां रेजोनेंस में इनहिबिशन आ रहा है, उससे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का परसेंटेज बढ़ रहा है, इसलिए इसका कॉन्जुगेटेड बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक है। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऐसा ऑप्शन फर्स्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज, आपको कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं और उनकी बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है। अच्छा, बेसिसिटी हाउ टू डिफाइन बेसिसिटी, बेसिसिटी डिफाइन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले बेसिसिटी डिफाइन करें तो मैं ये बोल दूं कि अनडीलोकेलाइज्ड लोन पेयर आर मोर बेसिक देन डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा स्पीसीज के पास लोन पेयर है और सेम एटम पे लोन पेयर है, तो मैं बोल रहा हूं अनडीलोकेलाइज्ड लोन पेयर आर मोर बेसिक। जैसे यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं, ये लोन पेयर डीलोकेलाइज नहीं हो रहे। इसका मतलब ज्यादा बेसिक नेचर का ये वाला नाइट्रोजन है कंपेरेटिव टू दिस। वापस से सुने कंसेप्ट को, मैंने पहली लाइन बोली है कि अनडीलोकेलाइज मतलब ये वाले लोन पे डीलोकेलाइज नहीं हो रहे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये वाले लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अनडीलोकेलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक नेचर के होते हैं, वो इजीली अवेलेबल होते हैं कमिंग प्रोटोन को, बिकॉज वो डीलोकेलाइज नहीं हो रहे हैं। तो ये वाला यहां पर यह नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन कंपनी में ज्यादा बेसिक है। मतलब अगर मैं इसको ए बोलूं और इसको बी बोलूं, तो मैं ये बोलूंगा कि ए इज ग्रेटर देन बी, और ये ऑर्डर किसका है, बेसिसिटी का है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड कहां से बेसिसिटी शो करेगा। तो ये वाला कंपाउंड यहां से बेसिसिटी शो करेगा। अब इसमें बात करूं तो इसके ये अनडीलोकेलाइज लोन पेयर है और ये लोन पेयर क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं, तो ये वाला यहां से शो करेगा। इसकी बात करें तो इसके ये अनडीलोकेलाइज लोन पेयर है, जबकि इसके इधर भी डीलोकेलाइज हो रहे हैं, इधर भी डीलोकेलाइज हो रहे हैं, दोनों तरफ डीलोकेलाइज हो रहे हैं, ये अनडीलोकेलाइज है, तो ये वाला बेसिक नेचर यहां से शो करेगा। इसकी बात करें तो ये वाले भी डीलोकेलाइज हो रहे हैं और ये वाले भी डीलोकेलाइज हो रहे हैं, इसका मतलब ये यहां से बेसिसिटी शो करेगा। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो कंपाउंड दिया हुआ वो बेसिसिटी कहां से शो करेगा। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुकेटेड एसिड इंक्रीज बेसिसिटी ऑफ देयर कॉन्जुकेटेड बेस इंक्रीज। अब मैं बोल रहा हूं कि जैसे जैसे कॉन्जुकेटेड एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब H+ जब ये एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्जुकेटेड एसिड बनेगा, और उस कॉन्जुकेटेड एसिड की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी उसके कॉन्जुकेटेड बेस की बेसिसिटी उतनी ही क्या हो जाएगी,
ज्यादा हो जाएगी। तो हम यहां देखते हैं कि पहले ये वाला अगर बेसिसिटी शो करेगा तो क्या बनाएगा, ये वाला क्या कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगा, ये वाला क्या बनाएगा। ओके क्लियर, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर। मैं इसको आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो देखें फर्स्ट कंपाउंड जो दिया हुआ है अपने पास, फर्स्ट कंपाउंड वाला दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है। आप फर्स्ट कंपाउंड देख सकते हैं कि फर्स्ट कंपाउंड जो दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है। तो यहां फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है NH डबल बॉन्ड कार्बन NH2 और ये CH3, ये फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है। सेकंड कंपाउंड जो दिया हुआ है, सेकंड कंपाउंड आपके पास दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं जिससे हमें देखने में इजी रहे। सेकंड कंपाउंड जो दिया हुआ है अपने पास ये वाला दिया हुआ है, थर्ड कंपाउंड जो दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है N डबल बॉन्ड NH और ये डबल बॉन्ड, और ये वाला जो कंपाउंड दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है NH2 ये डबल बॉन्ड NH और ये NH2, ये वाले कंपाउंड आपको दिए हुए हैं। अब मैं एक एक को बताता हूं इसमें बेसिसिटी कहां से शो करेगा, ये नाइट्रोजन शो करेगा तो H+ यहां आएगा, जैसे H+ यहां आएगा ये बनेगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड NH2 और ये पॉजिटिव, और इधर आपके पास रह गया ये NH2। अब ये कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा ये लो, तो क्या ऐसी ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई क्या? तो स्टेबल ये वापस से ये वाला बनाएगा, मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं। ऐसी ही स्ट्रक्चर बनाएगा ये NH2 ये डबल बॉन्ड ये NH2 और ये CH3 ये वाला बना रहा है। मतलब ये कंपाउंड जो है वो स्टेबल बाई, इसका जो कॉन्जुकेटेड एसिड बना है वो है स्टेबल बाई 1 इक्विलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ERS का मतलब है इक्विलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये वाला कंपाउंड एक इक्विलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। अब ये देखो अगर ये वाला कंपाउंड ये जो दिया हुआ है ये बेसिसिटी शो करेगा तो ये कहां से करेगा, इससे करेगा। एंड अभी मैंने कंडीशन बताई देखो यहां पे, और ये यहां शो करेगा तो बन जाएगा NH+। और जब ये रेजोनेंस दिखाएगा तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, मतलब सेम वापस ऐसे बन रहा है, तो ये भी स्टेबल बाई 1 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये वाला H+ तो ये भी यहां से रेजोनेंस ये से शो करेगा, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो ये भी रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है। और ये वाला शो करेगा तो ये यहां से करेगा NH2+, तो ये इधर से रेजोनेंस शो करेगा, इधर से रेजोनेंस शो करेगा, मतलब इससे शो करेगा। एक तो ये खुद है और बाकी एक यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, मतलब ये वाला स्टेबल बाई 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल है कौन सा वाला, लास्ट वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे बनेगी। 3 इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, बट साथ के साथ यहां पे इस CH3 का क्या लगेगा, प्लस H लगेगा। और हमें पता है कि प्लस H लगने पे बेसिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। इसमें केवल इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट साथ में इसमें इस CH3 का क्या लग रहा है, प्लस एच भी लग रहा है। अब मैं बात करूं इसकी, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें और इसमें, तो जब ये दिखाएगा तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बनाएगा, बट ये इसके कॉन्जुगेटेड बेस को स्टेबल करे तो इस लोन पेयर के लिए 2 वे हैं। ये ऊपर डबल बॉन्ड के साथ भी डीलोकलाइज हो सकता है और नीचे भी डीलोकलाइज हो सकता है, तो इसका मतलब इसको स्टेबलाइज करने के लिए इस नाइट्रोजन के लोन पेयर केवल 50% इन्वॉल्व होंगे। 50% तो किसके साथ जा रहे हैं, डबल बॉन्ड के साथ जा रहे हैं, और इसको स्टेबल करने के लिए केवल 50% यूज में आ रहा है। मतलब यहां
यहां इस नाइट्रोजनल बॉन्ड पर कंप्लीटली स्टेबलाइज कर रहे हैं इस कंजुगेटेड एसिड को, कंप्लीटली डीलोकलाइज हो रहे हैं इस डबल बॉन्ड के साथ, बट यहां ये नाइट्रोजनल बॉन्ड पर कंप्लीटली जरूरी नहीं है इसी के साथ डीलोकलाइज हो, ऊपर वाले डबल बॉन्ड के साथ भी डीलोकलाइज हो सकते हैं और ऊपर वाले के साथ डीलोकलाइज हो गए तो इसको स्टेबलाइज नहीं करेंगे। इसका मतलब इन दोनों से ये कम बेसिक है, तो सबसे ज्यादा तो स्टेबल हो गई फोर्थ, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, फोर्थ मोस्ट बेसिक होगा। बिकॉज फोर्थ मोस्ट बेसिक क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, यहां भी वन है और यहां भी वन है, यहां रेजोनेंस डिस्टर्ब हो रहा है बट यहां सी एस थ्री का प्लस एच लगा हुआ है, उसके बाद फर्स्ट आएगा, उसके बाद सेकेंड आएगा और सबसे कम थर्ड आएगा। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन अपने पास सेकेंड, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड। समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये वाला इसका आंसर आएगा, कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्वेश्चन 2019 में आया था और इस क्वेश्चन को देखो एक चीज मैं बता देता हूं आपको, हमेशा जेई में जो क्वेश्चन आता है ना वो क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल और थोड़ा सा ट्रिकी टाइप होता है, बट कंडीशन ये है कि आप उस ट्रिक को आइडेंटिफाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी उसके पीके वैल्यू पे डिपेंड करती है और ये इम्पॉसिबल काम है कि हम हर एक कंपाउंड की पीके भी वैल्यू चेक करें या पीके भी वैल्यू याद रखें। फिर भी अगर आप थोड़ा सा भी शार्ट तरीके से ऑप्शन को चेक करते हो तो उसका आंसर हमें मिल जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहां हमें कुछ वेल नोन एक क्वेश्चन है हमारा कि यहां पे ये एसपी है भाई, सब में कार्बोक्सिलिक एसिड है, सभी कंपाउंड में क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, सब में कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिटी चौक कौन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां भी कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी कौन चौक करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां भी कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां भी कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। हमें ज्यादा नहीं पता, हम इनको मिक्स करके अगर बात करें तो हमें एक क्वेश्चन जो आप वेल नोन है हर बुक में मिलेगा आपको, हमें यह पता है कि यहां ये एसपी कार्बन है और इधर ये एसपी टू है और इधर ये एसपी थ्री है। हम ये पढ़ते हैं कि माइनस आई का जो ऑर्डर होता है ना वो सबसे ज्यादा एसपी का होता है, फिर एसपी टू का होता है, फिर एसपी थ्री का होता है, ये माइनस आई का ऑर्डर होता है। और हम ये पढ़ते हैं कि एसिडिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के, ये कंसेप्ट भी आप पढ़ते हो। देखो हर चीज को बताना यहां पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करना है वो मैं बताऊं। तो हमें ये पता है sp, sp2, sp3, तो यहां sp का माइनस आई लगेगा, यहां sp2 का लगेगा, यहां sp3 का लगेगा, तो मतलब sp का माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, फिर sp2 का होगा, फिर sp3 का होगा। इसको अगर एक बार हम रिमूव भी कर दें और इन दोनों तीनों को अगर हम ऑर्डर डिसाइड करें तो इन तीनों में आपको सबको पता है कि फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद सेकंड होता है और उसके बाद फोर्थ होता है। इन तीनों का तो ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो, एसपी एसपी टू एसपी थ्री माइनस आई घट रहा है तो एसिडिटी ऑर्डर बढ़ जाएगा, इन तीनों का हमें पता लग गया। अब ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करें कि जहां फर्स्ट सेकेंड फोर्थ हो तो फर्स्ट सेकेंड, इसका तो मतलब यहां फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो यहां देखें फर्स्ट ज्यादा है सेकंड से, फर्स्ट ज्यादा सेकंड से इसमें भी है और फोर्थ तो सबसे लास्ट में आएगा ना, तो एक तो ये ऑप्शन है कि फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए और फोर्थ आ जाए। एक ऑप्शन यहां पे है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। अब हम ये पढ़ते हैं कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी एलिफेटिक से क्या होती है, ज्यादा होती है कि फोर्थ से ज्यादा एसिडिक का कौन सा, थर्ड। ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, तो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। पहले मैंने इन तीनों को डिसाइड किया, उसके बाद मुझे इसको सेट करना था। और अगर बात करें तो देखो इसका जो पीके वैल्यू है ना वो होता है 1.89, इसका जो पीके है वो होता है 4.3, इसका पीके 4.5 और इसका पीके 4.8, तो ये पीके वैल्यू है। बट मैं नहीं कहता कि आपको पीके वैल्यू याद रखनी चाहिए फालतू के एसिडिटी के क्वेश्चन, किसी भी कंपाउंड में आप एसिडिटी कंपैरिजन करो ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी पीके बेस्ट होती है। जो क्वेश्चन से एग्जाम में अब तक आए हुए हैं, आप लास्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबको आप चेक कर सकते हो, बहुत ही कंसेप्चुअली और आराम से ऑप्शन को देख के आप क्वेश्चन टिक कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बेवजह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ इज करेक्ट आंसर। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन विच गिव टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन इज द मेजर प्रोडक्ट इज आर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको यह दिखाओ कि अमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस किस में टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन होती क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन की बात करें, आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हीं ऑप्शन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखें फर्स्ट टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा, दिस कंपाउंड नोन एज टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, इसका नाम है। यह कंपाउंड कहां बनेगा, अब पहले बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो बेंजीन रिंग खुद किसकी तरह बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, तभी तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो बेंजीन खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और NaOC2H5OH, ये जो है सोडियम एथोक्साइड जो दिया हुआ है ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल के साथ ये क्या है, बेस, और बेस भी कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और यहां पे तो इस न्यूक्लियोफाइल और इस न्यूक्लियोफाइल के बीच में तो कोई रिएक्शन नहीं होनी, बट हमें पता है कि यहां क्या दिया हुआ है, 3° हैलाइड, तो यहां जो रिएक्शन है ये दिया हुआ आपको CH3CH2H और ये CH3 और ये Br, और इधर दिया हुआ है आपको NaOC2H5, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये न्यूक्लियोफाइल भी है, बट ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है SN2 फेवर करेगा और SN2 यहां नहीं होगी तो SN2 की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, एलिमिनेशन, कौन सी रिएक्शन शो करेगा, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन भी किससे, वाया E2 मैकेनिज्म से, क्या आप E2 से ये एलिमिनेशन करेगा और पहले इस बेस को हटाएगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और Br क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, मतलब इसमें बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट तो एल्कीन आया है और ये एल्कीन अब रिंग पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल, तो जब तक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाएगा तब तक ये इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट कंपाउंड में तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन नहीं बना है, बना क्या है, एल्कीन बना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं आएगा। सेकंड AlCl3 क्या है, लेविस एसिड। ठीक है, सेकंड AlCl3 क्या है, लेविस एसिड, ये इस Cl को क्या कर लेगा, हटा लेगा, लेविस एसिड बेस रिएक्शन। तो जैसे ही लेविस एसिड बेस रिएक्शन हुई आपके पास बना ये वाला, ये पॉजिटिव कार्बो केटाइन और साइड में बन गया AlCl4-, ये वाला बन गया। अब हमें पता है कि कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया और कार्बोकेटाइन अगर जनरेट होता है तो हैव टेंडेंसी टू अंडरगोज रीअरेंजमेंट, उसकी टेंडेंसी होती है रीअरेंजमेंट करने की। तो अगर ये रीअरेंजमेंट हो रहा है डेफिनेटली 1° से 3° में कन्वर्ट होगा, यहां से 1,2-हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,2-हाइड्राइड शिफ्ट होगा और फाइनली बनेगा ये वाला कार्बोकेटाइन। और ये कार्बोकेटाइन मतलब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इस पे अटैक करेगा तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन बनेगा, इसका मतलब सेकंड में बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन क्या है, आपके पास बेंजीन दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है ये वाला,
और इसकी रिएक्शन करवाइए किससे, H2SO4 से। तो ये न्यूक्लियोफाइल H2SO4 में से कौन अटैक करने वाला है बेटा, H+ अटैक करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर रोटेट होंगे और H+ इस पर क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। जैसे ही H+ अटैक करेगा आपके पास ये वाला बन जाएगा कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन में कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, सेम कार्बोकेटाइन बन गया और ये कार्बोकेटाइन वापस से इस रिंग पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी वापस से, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन यहां भी बन जाएगा। तो सेकंड में बन गया, थर्ड में बन गया, फर्स्ट में नहीं बना। अब बात करते हैं हम फोर्थ ऑप्शन की। तो सेकंड और थर्ड तो आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, अब मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करता हूं। तो फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो देखें, इसको मैं मिटा देता हूं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन वही बेंजीन दी हुई है OH, ये लोन पेयर है। देखें आपके पास दिया हुआ है ये वाला, और इस ऑप्शन के पास क्या है लोन पेयर BF3 दिया हुआ है। BF3 क्या है, लेविस एसिड। क्यों, क्योंकि क्या है इसके पास, वेकेंट P, इसके पास वेकेंट क्या है P। ऑक्सीजन अपना इसको क्या कर देगा, लोन पर डोनेट कर देगा। जैसे लोन पर डोनेट करेगा आपके पास ये बनेगा, ये BF3 इस पे माइनस और इस पे पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से ऐसे टूटेगा और यहां से टूटने के बाद ये बनाएगा ये वाला पॉजिटिव, साइड में बन गया BF3OH और ये माइनस। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन इसमें वापस से क्या होगा, 1,2-हाइड्राइड शिफ्ट, इसमें 1,2 क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। और 1,2-हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इस कार्बोकेटाइन में। 1,2-हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, शिफ्ट और ये बना, और इसके बाद ये रिंग के साथ रिएक्शन करेगा तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन बनाएगा वापस से। कौन सी रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब फोर्थ में भी बनेगा, सेकंड में बना था, थर्ड में बना था, फर्स्ट में नहीं बना। तो आंसर इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, आंसर आएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और ध्यान रखना एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आप देखना हर साल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो एनिलीन से का पूछ ले, फिनोल का पूछ ले, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बड़ी रिएक्शन है और सभी स्टूडेंट को आनी भी चाहिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज R। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है और उस कंपाउंड का IUPAC नाम पूछा है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है IUPAC नाम के लिए कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, आपको एक तरफ CL दिया हुआ है और एक तरफ CH3 दिया हुआ है। दो बेंजीन रिंग के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक CL है और एक CH3 है, मतलब पॉली सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन है, पॉली सब्स्टिट्यूएंट बोल सकता हूं क्योंकि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो मैं करूंगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर से, बिकॉज यहां फंक्शनल ग्रुप कोई सा भी नहीं है, बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले तो मैं ये बोल दूं कि ये जो है वो दोनों ही क्या है, बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों ही क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब मैं बात करता हूं कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर से इनकी नंबरिंग करूं तो सी क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है, ये मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, सी पहले आता है, तो 1,2,3,4। अब पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा 1 क्लोरो फिर 4 मिथाइल बेंजीन, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन है 1 क्लोरो, पहले ये क्लोरो लिखा जाएगा तो ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद इस क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड की बात करूं, 1 मिथाइल 4 क्लोरो बेंजीन, नंबरिंग प्रॉपर नहीं हुई है, पहले मिथाइल को नंबरिंग दिया हुआ है जबकि पहले किसको मिलेगा, क्लोरो को, अल्फाबेटिकली ऑर्डर का वायलेशन हुआ है तो इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा। 4-क्लोरो-टोलुइन ये भी सही नेमिंग है, इफ बेसिक नेम कंसीडर टोलुइन,
यदि बेसिक नेम हम टोलुइन कंसिडर करें, मतलब ये जो है आईपीएससी ने इस नाम को एक्सेप्ट कर रखा है, ये टोलुइन है और यहाँ मैंने सीएल लगाया, तो यहाँ से डायरेक्ट आप देख लें 1, 2, 3, 4, तो 4 कलरो और इस पूरे को मैंने बेस कंसिडर कर लिया, तो बेसिक नेम कंसिडर टोलुइन, तो फिर ये नाम सही हो सकता है 4 कलोरो टोलुइन, तो थर्ड भी क्या है सही है, थर्ड तभी सही है जब मैंने टोलुइन को कंसिडर किया है। फिर 4-methyl chlorobenzene, नहीं ये सही नहीं होगा, क्लोरो पहले लिखा जाएगा, मिथाइल बाद में लिखा जाएगा, इसलिए ये नेमिंग क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो कर रहा है, यहां बेसिक जो नेम है, मेन नेम जो हमने कंसिडर किया है वो टोलुइन किया है, टोलुइन को आईपीएससी ने एक्सेप्ट कर रखा है, इसलिए ये नाम भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन, पहली बार जेईई ने एक आईपीएससी का नाम पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। तो भैया सबसे पहले तो मैं कुछ कंडीशंस आपको बता देता हूं, इस एडिशन रिएक्शन के कारण ये स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है। यहाँ पे जो एल्किन आपको दी हुई है वो एल्किन है ट्रांस, ये एल्किन कौन सी एल्किन है, ट्रांस, और ट्रांस एल्किन को मैं एक पर्टिकुलर नाम बोल रहा हूं कि मैं यहां ट्रांस को बोलूंगा क्या, एंटी, ट्रांस एल्किन को मैं यहां क्या बोलूंगा, एंटी बोलूंगा। ये एल्किन कैसी, आपके पास सिस, और सिस एल्किन को मैं यहां बोलूंगा सिन। Br2 का एडिशन होता है तो Br2 का हर एक रिएजेंट का डबल बॉन्ड पे एडिशन स्पेसिफिक वे में होता है, जैसे हेलोजन का एडिशन एंटी होता है, बेयर रिएजेंट में जब हाइड्रोक्सिलेशन होता है तो वहां सिन एडिशन होता है, हाइड्रोजिनेशन होता है वो सिन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपने किस रिएजेंट से हाइड्रोजिनेशन करवाया है। तो वैसे ही मैं यहां बोल रहा हूं कि हेलोजन Br2 का एडिशन जो होता है ना वो होता है, ये दोनों ही शो करते हैं एंटी एडिशन, कौन सा एंटी एडिशन, मतलब एंटी एडिशन होगा। तो एक तो पहले तो मैं क्वेश्चन को एक ट्रिक से बता देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते कैसे हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आप ये देखना कि सिन, ये मैंने बोला सबस्ट्रेट, क्या बोला सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट का मतलब एल्कीन, ठीक है। अगर सिन पे और ये रिएजेंट, जो भी आपने रिएजेंट ले रखा है, जो भी आपने रिएजेंट ले रखा है, ये रिएजेंट मान लो रिएजेंट हेलोजन है या जो भी है, तो इस सिन पे सिन एल्किन है, मतलब सिस एल्किन है, इस पे जो रिएजेंट है ना उसका एडिशन हो सकता है एंटी हो, एंटी हो, या हो सकता है उसका एडिशन सिन हो। तो सिन पे एंटी एडिशन होगा ना तो 3O पेयर ऑफ एनाइंशियोमर बनेगा, समझना, सिन पे एंटी एडिशन होगा तो 3O पेयर ऑफ एनाइंशियोमर, और सिन पे सिन होगा तो मीजो बन सकता है या फिर इरिथ्रो पेयर ऑफ एनाइंशियोमर, डिपेंड करेगा आपकी एल्किन कैसी है, रिएजेंट कैसा है, इसको अपोजिट कर दो तो भी यही आना है, मतलब एंटी यदि एल्किन है, एंटी यदि एल्किन है और एंटी पे सिन एडिशन हुआ है या एंटी एडिशन हुआ है, तो एंटी पे सिन हुआ है तो वही बनेगा क्या, 3O पेयर ऑफ एनाइंशियोमर, और यहां बनेगा इरिथ्रो पेयर ऑफ एनाइंशियोमर या फिर क्या बनेगा मीजो। तो एक चीज तो आ गई कि एंटी पे एंटी होता हो या सिन पे सिन होता हो, देखना सिन पे सिन या एंटी पे एंटी, सिन पे सिन या एंटी पे एंटी, सिन पे सिन होता हो एंटी पे एंटी होता हो तो प्रोडक्ट या तो बनता है इरिथ्रो या फिर बनता है मीजो, या तो इरिथ्रो या फिर मीजो। इरिथ्रो कब बनेगा, जब रिएजेंट एसिमेट्रिक हो या एल्किन एसिमेट्रिक हो तब इरिथ्रो बनेगा, अदरवाइज
मीजो बनेगा। अब अगर दूसरा बचा, आप सिन पे एंटी करवाओ या एंटी पे सिन करवाओ, सिन पे एंटी या एंटी पे सिन, हमेशा क्या बनने वाला है, थ्री ओ पेर ओप एनेंशियोमर बनने वाला है। एक लाइन तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि सिन पे एंटी करवाओ या एंटी पे सिन करवाओ, मतलब एल्किन सिन है एडिशन एंटी हो रहा है, एल्किन एंटी है एडिशन सिन हो रहा है, तो हमेशा ही क्या बनता है, थ्री ओ पेर ओप एनेंशियोमर बनता है। अब आपको थ्री ओ बनाना आना चाहिए तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो ये तो मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताया क्वेश्चन करने का, सोल्व करने का तरीका बताया। अब मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूं, इसको सोल्व करता हूं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन सोल्व। यहां तक अगर क्लियर है तो मैं इसको साफ कर देता हूं, यहां तक अगर क्लियर है तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं अपन। कि पहले दिया हुआ है आपको ट्रांस एल्किन, ठीक है, तो ट्रांस एल्किन दिया हुआ है तो मैं ट्रांस एल्किन बना देता हूं। ये लो ट्रांस एल्किन। आपको पता है इस रिएक्शन में सबसे पहले साइक्लिक ब्रोमिनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, Br2 रिएक्शन करेगा, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल Br2 ही होता है, पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद फाइनली साइक्लिक ब्रोमिनियम आयन बनेगा। तो आपके पास ये वाला साइक्लिक ब्रोमिनियम आयन बन जाएगा, ये H और ये H। अब जो Br- आएगा वो Br- इस साइक्लिक ब्रोमिनियम आयन पे दो वैसे रिएक्शन कर सकता है, हो सकता है रिएक्शन ये इधर से अटैक करे तो ये Br नीचे की तरफ चला गया, तो एक बात तो अपने पास ये आया कि ये Br नीचे की तरफ आ गया और ये CH3 और ये H और ये Br, ये H और ये CH3, या फिर हो सकता है कि ये इधर से ये अबाउ द प्लेन ये इधर से अटैक हो और ये इधर से जाए, तो दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास कि ये ऐसे अटैक करे, ये Br ऊपर की तरफ, ये H, ये CH3 और ये Br और ये CH3 और ये H। अब आप देखोगे तो बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल है, मैं इसका फीसर बना सकता हूं, डायरेक्ट फीसर इसका नहीं बनेगा, पहले मुझे इसको किस में लेके जाना पड़ेगा, एक्लिप्स में लेके जाना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट ही इसका फीसर बना रहा हूं। आप देखिए मैं इसका फीसर बनाता हूं तो ये Br जो यहां लगा हुआ है, इधर CH3 है और ये H, इसको मैंने रोटेट कर दिया 180 से, जिससे ये एक्लिप्स में कन्वर्ट हो गया, रोटेट करते ही Br इधर आ गया, H इधर आ गया और ये CH3। दूसरा अगर मैं इसको रोटेट करूं, इसका पीसर बनाऊं, तो ये Br, ये H और ये CH3 और इधर ये Br, ये CH3 और ये H, ये जो बने हैं M एंड N, एक को M नाम दे दो और एक को N नाम दे दो, और आप देखो इसमें भी प्लेन लग रही है, इसमें भी प्लेन लग रही है, मतलब M और N जो है वो है बोथ आर आइडेंटिकल एंड मीजो, आइडेंटिकल है और ये कंपाउंड कैसा है, मीजो कंपाउंड है। अब आप डायरेक्ट करते तो देखो कैसे करते, एंटी और एंटी, एंटी पे एंटी एडिशन होता तो मीजो बनता, और मीजो कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। अब दूसरे में बात करूं सेकेंड कंपाउंड की, तो आपको यहां थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहां सिस है, ये सिस ले लिया, वही एच एच, वही बी आर टू, पहले साइक्लिक क्या बन जाएगा, ब्रोमिनियम आयन बन जाएगा, तो साइक्लिक ब्रोमिनियम आयन बनेगा, तो ये बी आर प्लस और ये एच और ये एच। अब इसके बाद बी आर माइनस का क्या होगा, अटैक होगा, तो एक बार इधर से अटैक करवाएं बी आर माइनस का, उधर से अटैक कराऊंगा तो ये बनेगा ये बी आर, ठीक है, ये सी एस थ्री और ये H, इधर वाला Br नीचे की तरफ चला गया, ये Br, ये CH3 और ये H, एक पॉसिबिलिटी है आई ये। दूसरी पॉसिबिलिटी Br- अगर अटैक करे तो वो इधर से अटैक करे और ये यहां से, हाँ तो दूसरी पॉसिबिलिटी में अपने पास आया ये Br इधर वाला ऊपर हो गया, ये CH3 और ये H, और इधर वाला Br नीचे हो गया और ये CH3 और ये H। अब अगर मैं इसका फीसर बनाऊंगा, इसका फीसर बनाऊंगा तो क्या बनेगा फीसर, आप इसका फीसर देखें, फीसर क्या बनेगा, ये Br एजी ट्रक दिया, ये H और ये CH3, इसका डायरेक्ट फीसर नहीं बन पाएगा, पहले मुझे एक्लिप्स में लेके जाना पड़ेगा, एक्लिप्स में मैं इसको रोटेट करूंगा तो Br और ये H और ये CH3, ऐसे में इसका एक्लिप्स बनाऊंगा, इसका एक्लिप्स बनाऊंगा तो ये Br, ठीक है, इधर आपके पास CH3 और ये H, इसके रेस्पेक्ट में रोटेट करूंगा तो Br और ये H और ये
CH3। तो ये जो प्रोडक्ट है आपके पास है O और P, और O और P जो है आप देखें मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, एरिथ्रोपेरोप एनाइंशियोमर। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं, ब्रोमिनेशन प्रोसीड थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ द रिएक्शन, डेफिनेटली Br2 का एडिशन दोनों में ही कैसा होगा, ट्रांस होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। O एंड P आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, O एंड P, तो O और P आइडेंटिकल नहीं है, बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर, तो आइडेंटिकल नहीं है, तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया, गलत हो गया। अब बोल रहा है M एंड O, ये M है और ये O है, तो इसमें ऊपर वाले कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, नीचे वाले पे डिफरेंट है, ना तो आइडेंटिकल है ना मिरर इमेज है, ना तो आइडेंटिकल है ना मिरर इमेज है, मतलब ना तो आइडेंटिकल ना एनेंशियोमर, इसका मतलब बचा क्या, ये पेयर ऑफ डायस्टोमर है, M और O पेयर ऑफ डायस्टोमर है, और N और P भी क्या है, पेयर ऑफ डायस्टोमर है, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रिएक्शन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन इज आर, कि कौन सी रिएक्शन से 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले 1,3 ट्राई मिथाइल बेंजीन होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम ऑप्शन को चेक करते हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको चेक करते हैं। तो देखो 1,3 ट्राई मिथाइल बेंजीन ये हो गया, ये बेंजीन, ये बेंजीन 1, 2 और 3, 1,3 ट्राइमिथाइल बेंजीन, ये वाला कंपाउंड कहां बनेगा, तो सबसे पहले दिया है एसीटोन की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, एल्डोल रिएक्शन होगी इन एसिडिक मीडियम, एल्डोल कंडेंसेशन इन एसिडिक मीडियम। आपको पता होगा कि तीन एसीटोन के मॉलिक्यूल में एक एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा, आप देखते जाना। सबसे पहले लिया CH3COCH3, आप दो रिएक्शन देखें, एक तो हम कराते हैं, ये रिएक्शन करा रहे हैं ड्राई HCl की प्रेजेंस में, और इसी इसके तीन मोल ले लूं मैं, और ये कंसंट्रेट H2SO4, तो यहां तो बनता है CH3 डबल बॉन्ड CH, ये वाला होता है, मतलब लीनियर एल्डोल कंडेंसेशन हुई है, इस कंपाउंड को हम कॉमन नेम बोलते हैं इसका फोरोन। बट अगर कंसंट्रेट H2SO4 लेता हूं तो फिर ये वाला प्रोडक्ट बनता है 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, और ये दोनों ही एग्जांपल है एल्डोल कंडेंसेशन इन एसिडिक मीडियम। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस रिएक्शन में भी प्रोडक्ट तो बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो ये आंसर तो आएगा। अब वो प्रोडक्ट बना कैसे, मैंने बोल दिया एल्डोल कंडेंसेशन हुई है, अगर एल्डोल कंडेंसेशन आपको पता है तो एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होती है उसके बारे में मैं बात करता हूं, और ये प्रोडक्ट मैं बनाता हूं कैसे बनेगा, यहां तक क्लियर। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन कैसे हुई है, इसमें सबसे पहले ये दिया हुआ है CH3CO और CH3, एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, तो ये CH2 डबल बॉन्ड COH और ये CH3, ये इनोल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे इनोल में कन्वर्ट होगा ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, और ये क्या करेगा, अटैक एसिडिक मीडियम दिया हुआ तो ये ऑलरेडी OH प्लस में कन्वर्ट हो चुका है, तो एक का न्यूक्लियोफाइल बनाया, दूसरे पे मैंने क्या करवाया, अटैक करवाया, तो पहला प्रोडक्ट जो बना वो बना CH3COH CH3, उसके बाद ये CH CO CH3, हीट दिया हो तो यहां से कंडेंसेशन करवा दूंगा, तो ये CH3 डबल बॉन्ड CH और ये COCH3, ये मैंने दो मोल के साथ एल्डोल कंडेंसेशन करवाया तब ये बना। मतलब डायरेक्ट अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना है ना, डायरेक्ट वे क्या होगा इस रिएक्शन का, अब मैं डायरेक्ट वे से मैकेनिज्म आपको बता दिया, डायरेक्ट वे क्या करना है कि CH3 CH3 डबल बॉन्ड OH2 CH CO CH3 और यहां से H2 क्या करना है, बाहर करना है, तब ये बन जाएगा। ये डायरेक्ट वे हो गया एल्डोल कंडेंसेशन का, एसिडिक मीडियम हुई है। अब ये रिएक्शन कैसी हुई उसके बारे में बात कर रहा हूं, पहले मैंने एसिडिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन का कंसेप्ट बताया है,
अब ये रिएक्शन कैसी हुई उसको देखें। ये ऐसा हुआ कि पहले CH3 और ये CH3 डबल बॉन्ड O और ये CH2 COCH3 पहले H2 यहां से बाहर हुआ। ओके, जैसे यहां से बाहर हुआ ये बना CH3 कार्बन CHH2 ये डबल बॉन्ड O सॉरी डबल बॉन्ड CH CO और ये CH3। ठीक है, अब वो जो एक मोल बचा है वो यहां रिएक्ट करेगा सी डबल बॉन्ड ओ ये CH3 और ये CH3 और यहां से H2 क्या हो जाएगा बाहर और इधर इधर से ये अटैक करेगा इस पे। यहां तक वो तीन मोल हो गए। अब तीन मोल में ये आपस में यहां से क्या करेगा ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से H2 और बाहर होगा। फाइनली क्या बनेगा देखो कार्बन कार्बन ये कार्बन डबल बॉन्ड ये कार्बन CH उसके बाद ये कार्बन इस पे CH3 और इधर से भी जुड़ गया ये कार्बन और ये CH और ये CH3 डबल बॉन्ड और इधर बन गया आपके पास ये CH और ये यहां से डायरेक्टली जुड़ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहां मिथाइल और यहां मिथाइल ये 1 2 3 4 5 6 बन गया बेंजीन। तो फर्स्ट में 1 3 ट्राइमिथाइल बेंजीन बनेगा। कैसे बनेगा उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। क्लियर, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हीटेड रेड आयरन टू पॉलीमराइजेशन होता है सेकंड में। आपके पास ये दिया हुआ है CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CH और Fe रेड हॉट आयरन ट्यूब रेड हॉट ट्यूब आयरन की तो इसका साइक्लिक ट्राइमराइजेशन इसका साइक्लिक ट्राइमराइजेशन होता है। वेल नोन रिएक्शन है और बेंजीन बनेगा CH3CH3। कैसे बना वो भी देख लें। ये CH3 ये कार्बन ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये एच ये CH3 ठीक है और ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये एच उसके बाद ऐसे दिखा देते हैं इसको CH3 ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एच CH3 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये एच फिर यहां पे सी ये CH3 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये एच ये यहां से यहां जाएगा से यहां और ये यहां से यहां तो यहां बॉन्ड जनरेट हो जाएगा यहां बॉन्ड जनरेट हो जाएगा यहां बॉन्ड जनरेट हो जाएगा बन जाएगा तो सेकंड से भी बनेगा। फर्स्ट से बन रहा है और सेकंड से भी बनेगा। थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। Br2NaOH पता होगा रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन और हेलोफॉर्म रिएक्शन सिंपल सा कंसेप्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन का कैसे होती है देखो आपको ये स्केलेटन अगर प्रेजेंट है CH3CO और यहां कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसकी रिएक्शन कराते हो ना NaOH से और हेलोजन से तो इसका तो CH3 बन जाता है ये तो हेलोफॉर्म बन जाता है। बाकी जो पीछे स्केलेटन बनता है उसका क्या बन जाता है सोल्ट बन जाता है RCONA+। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का कंसेप्ट है। तो यहां आपको दिया हुआ है ये वाला कंपाउंड तो इसका हेलोफॉर्म बन जाएगा। इधर दिया हुआ है ये वाला इसका हेलोफॉर्म बन जाएगा। इधर दिया हुआ है इसका हेलोफॉर्म बन जाएगा। बाकी सबका क्या बन जाएगा सोल्ट बन जाएगा। तो पहले दिया Br2 और NaOH तो जैसे दिया तो वहां
सी थ्री मोल तो सी एच बी आर थ्री बन जाएंगे, प्लस साइड में आपके पास बन जाएगा सी ओ एन ए, सी ओ एन ए और इधर भी सी ओ एन ए। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस दिया हुआ है तो ये वापस से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसमें चला जाएगा सी ओ एच, सी ओ एच और सी ओ एच। फिर दिया हुआ है सोडा लाइम, हीट क्या बाहर करेगा सी ओ टू डी कार्बन, तो यहां से सी ओ टू बाहर हुई, यहां से सी ओ टू बाहर हुई, यहां से सी ओ टू बाहर हुई, फाइनली क्या बना इसमें बेंजीन बना। तो इस वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, 1,3-trimethyl बेंजीन नहीं बना, इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड आंसर नहीं आएगा। क्लियर? फिर बात करते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन की। नेक्स्ट वाला दिया हुआ है जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, ये वाला है क्लेमेंसन रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां अगर आप इसका जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये तीनों ही सी एच ओ ग्रुप है ना, वो सी एच थ्री में क्या हो जाएंगे कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब फोर्थ आंसर आएगा। तो फाइनली इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, थर्ड नहीं आएगा क्योंकि थर्ड में प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेंजीन प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिनिन रिएक्ट विथ मिक्स्ड एसिड कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4 एट 288 केल्विन टू गिव P51%, Q47%, R22%, 2%। द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज आर। ये बोल रहा है कि एनिलीन की रिएक्शन करवानी है मिक्स्ड एसिड से, मिक्स्ड एसिड बोला है इसने कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 को और ये रिएजेंट करता है नाइट्रेशन और बोला है कि इसका नाइट्रेशन करोगे तीन प्रोडक्ट बनेंगे, एक P बनेगा जो 51% है, एक Q बनेगा जो 47% है और एक R बनेगा जो कि 2% है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज R। फिर उन रिएक्शन के सीक्वेंस में मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करें तो देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ठीक है, देखें सबसे पहले एनिलीन जो है वो ये वाला है, एनिलीन आपके पास ये वाला कंपाउंड एनिलीन है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3। तो ये रिएजेंट करेगा क्या, ये रिएजेंट करेगा नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन पे यहां तीन प्रोडक्ट बनने वाले हैं, एक प्रोडक्ट बनेगा ये वाला NH2 NO2 ऑर्थो, एक बनेगा ये वाला NH2 NO2 मेटा वाला और एक वाला बनेगा पेरा वाला। ये तीन प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे। अब ये जो तीन प्रोडक्ट बने हैं ना, इसमें हमें डिसाइड करना है कि 51% कौन सा है, 47% कौन सा है और 2% कौन सा है, ये हमें डिसाइड करना है। तो ये डिसाइड हम करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूं। वैसे तो एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है वो होता है ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव, कौन सा होता है ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आपको यहां कंसंट्रेट H2SO4 दिया हुआ है तो कंसंट्रेट H2SO4 में जो एनिलीन ना, सबसे पहले ये जो एनिलीन है
इस H2SO4 के साथ रिएक्शन करके सबसे पहले बनाएगा एनिलीनियम आयन NH3+। ये H+ क्या कर लेगा, यहां से एक्सेप्ट कर लेगा और इसको हम बोलते हैं एनिलीनियम आयन। और जो एनिलीनियम आयन है ना, वो अब इसका रेजोनेंस लगना बंद हो गया, रिंग को ये एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, तो जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पे भी जाएगा, मेटा पे भी जाएगा और पेरा पे भी जाएगा, वो तीनों जगह जा सकता है। अब तीनों जगह में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा भाई, NH3 का केवल कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -I, तो -I सबसे कम कहां लगेगा, पेरा पोर्शन पे, फिर कहां लगेगा, मेटा पे, सबसे ज्यादा कहां लगेगा, ऑर्थो पे, इसका मतलब ऑर्थो वाला प्रोडक्ट सबसे कम आएगा, पेरा वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आएगा। तो मैं फिर बोल देता हूं कि वैसे तो एनिलीन ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव होती है, बट जब हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाते हैं तो मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। और मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है, इसका रीजन ये है क्योंकि पहले एसिड के साथ रिएक्शन करके ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और एनिलीनियम आयन रिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाता है, मतलब ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव नहीं है, इसका रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहां तीनों प्रोडक्ट पॉसिबल आएंगे। -I जहां सबसे कम लगेगा वो प्रोडक्ट सबसे मेजर आएगा। तो यहां तीन प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे जो मैंने तीनों प्रोडक्ट ऊपर लिखे हैं, ऑर्थो, मेटा, पेरा। तो पेरा वाला तो बनता है 51% और ये वाला बनता है 47%। ऑर्थो पे सबसे ज्यादा -I लगाया तो ये बनता है केवल 2%। ये तीन प्रोडक्ट आपके पास बनते हैं। अब आपको बोला है कि ये तो हो गया पी, क्योंकि पी को 51% बोला है, क्यों, जो 47 है ये हो गया क्यों, क्यों कौन सा है, मेटा नाइट्रो एनिलीन, और आर ये हो गया 2%। ठीक है, इसको मैंने बोला आर। अब रिएक्शन इसने आगे चलवाई है आर से, और आर क्या है आपका, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, और दूसरी रिएक्शन चलाई है एस से, एस क्या आपकी मेटा नाइट्रो, एस जो है आर से एस बनेगा, फिर एस की रिएक्शन इसने आगे और करवाई है, मतलब आगे की रिएक्शन इसने प्रोसीड करवाई है वो आर से करवाई है, और आर क्या है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। देखें अब हम आगे रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, आर है आपका जो 2% बनाया वो बनाया ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, सॉरी, तो NH2 और ये NO2, ये वाला आपका आर है जो कि 2% बना है। इसकी रिएक्शन कराई Ac2O एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, रिएक्शन है एसाइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शन है, और Ac2O किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं CH3CO और ये COCH3 इसकी प्रेजेंस में, और एसाइलेशन रिएक्शन हुई है तो ये NH2 एच और ये NO2 और यहां से ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा बाहर, रिएक्शन हुई है एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, NH2 अटैक करेगा OCH3 को बाहर कर देगा, मैंने डायरेक्ट वे बता दिया है, और पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा NHCOCH3 और ये NO2। फिर उसके बाद रिएक्शन कराइए Br2 ACOH CH3 OH से करवाई है, तो ये करवाएगा मोनोब्रोमिनेशन, और ये जो ग्रुप है वो कौन सा डायरेक्टिव है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव, ये ग्रुप कौन सा है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव, तो इसकी ऑर्थो पोर्शन पे जा सकता है, इसकी पेरा पोर्शन पे जाएगा, बट ऑर्थो पे जाएगा तो तीन ग्रुप लगातार हो जाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो कहां जाएगा, पेरा पे जाएगा, और जब पेरा पे जाएगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा NHCOCH3NO2 और ये Br। ये यहां तक रिएजेंट यूज में लेने के बाद हुआ, फर्स्ट और सेकंड रिएजेंट मैंने यूज में ले लिया, उसके बाद क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस, तो इस ग्रुप का वापस से क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस यहां से टूट जाएगा, H3O+ हाइड्रोलाइसिस में इधर एच और इधर OH, और फाइनली ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा इसमें NH2NO2
टू और ये बी आर। फिर इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई है, ये हाइड्रोलाइसिस करवा दिया NaNO2 HCl और ये रिएजेंट करेगा डाई एजोटाइजेशन। वन डिग्री एरोमेटिक एमीन के साथ रिएक्शन करके डाई एजोटाइजेशन करेगा। तो आगे मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाऊंगा जब NaNO2 प्लस HCl से, तो मैं रिएक्शन का नाम बोल रहा हूं डाई एजोटाइजेशन और डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। तो फिर प्रोडक्ट बनेगा आपके पास ये वाला N2 प्लस Cl माइनस NO2 और ये Br। यहां तक प्रोडक्ट हो गया ये। फिर EtOH और हीट, तो मैं बोल देता हूं कि डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन यदि आप एथेनॉल से, फॉर्मिक एसिड से और H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड से करवाते हो तो बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होता है, मतलब वहां पे H सप्लाई हो जाएगा। तो ये जो ETOH है ना हीट, ये यहां पे क्या सप्लाई कर देगा, H सप्लाई कर देगा और फाइनली जो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा NO2 और ये Br। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट है आपका S। ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है, एस प्रोडक्ट है। एस तक हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एस प्रोडक्ट जो आया है वो आया है मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन हमारा ऐसा आया। फिर एस की रिएक्शन आगे और करवाई है, एस तक क्लियर ठीक है, मिटा दिया जाए। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बना हमारे पास ये बन गया एस। तो S प्रोडक्ट की रिएक्शन पिछले आगे इसने किससे करवाई है वो देखते हैं। S ये NO2 और ये Br। S की रिएक्शन करवाई है इसने SN प्लस HCl से, तो ये है रिडक्शन। नाइट्रो कंपाउंड का क्या करता है ये, रिडक्शन और रिडक्शन करके उसको कहां भेज देता है, NH2 में। फिर उसके बाद दिया है Br2H2O excess, Br2H2O excess में दिया है और यहां Br2H2O excess में करेगा ट्राई ब्रोमिनेशन। क्या करेगा, ट्राई ब्रोमिनेशन, पोलर सॉल्वेंट है, ट्राई ब्रोमिनेशन करेगा और NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो इसकी ये दोनों ऑर्थो और इसकी ये पैरा पोर्शन, ये दोनों ऑर्थो और पैरा पोर्शन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ट्राई ब्रोमिनेशन, और ट्राई ब्रोमिनेशन से बनेगा आपके पास प्रोडक्ट, वो बनेगा ये NH2 एजिट रह गया, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन और ये इसकी ऑर्थो पोजीशन, एक Br ऑलरेडी प्रेजेंट था और ये इसकी पैरा पोर्शन। उसके बाद वापस से डाइएजोटाइजेशन करवाया है, मेजर प्रोडक्ट बनवाया है आपसे डाइएजोटाइजेशन। तो डाइएजोटाइजेशन वही NaNO2 प्लस HCl, ये वापस रिएक्शन कौन सी आ गई, डाई एजोटाइजेशन, वापस से डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन आ गई। तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन बोलोगे तो फिर बन जाएगा आपके पास ये Br, ये N2 प्लस Cl माइनस, बाकी ये Br और ये Br और ये Br, यहां तक आ गया। फिर H3PO2, तो अभी मैंने बोला था डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फॉर्मिक एसिड से, H3PO2 से और एल्कोहल से करवाते हो तो डाइजोनियम सॉल्ट का डाइजो जो ग्रुप है वो बाहर हो जाता है और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पे वापस से क्या सप्लाई हो जाएगी, H सप्लाई हो जाएगी, H3PO2 रिएक्ट करेगा और इसका रिडक्शन कर देगा और बन जाएगा ये Br और यहां H और ये Br, ये Br और ये Br। पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसा ऑप्शन अगर आप चेक करते हो तो ऐसा ऑप्शन आपके पास फोर्थ, तो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। क्लियर, समझ में आ गया होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। एक रिएक्शन सीक्वेंस दी हुई है और उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन आपको चेक करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो ये रिएक्शन क्वेश्चन बड़ा है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड दिया आपको ये वाला, इसकी पैरा पोर्शन पे ओ एम ई ग्रुप लगा हुआ है और साइड में आपको दिया हुआ है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सी एच टू और ये सी ओ एच, ये वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है। इसकी रिएक्शन कराइए एच जी प्लस डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर से, तो ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस है एल्काइन का, और एल्काइन का एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। रिएक्शन को अदर नेम से भी जाना जाता है जिसको हम कुचेरोव रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहां पहले इंटरमीडिएट बनेगा इनोल और फिर इनोल टोटोमराइज होकर कीटो फॉर्म में जाएगा। तो यहां एसिडिक मीडियम में जो जब OH- अटैक करेगा तो OH- उधर अटैक करेगा जिधर स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो इस OMe का प्लस R लग रहा है तो स्टेबल कार्बोकैटायन इधर है, तो ये OH इधर अटैक करेगा और इस पे H जाएगा, तो पहला ये बनेगा OMe और ये C OH डबल बॉन्ड और C और इधर वाटर का H, ये मैंने डायरेक्ट वैसे कर दिया है क्वेश्चन को, और फिर इधर बन गया आपके पास सी एच टू सी ओ एच, ये क्या है इनोल, और इनोल से तुरंत किस में जाएगा कीटो में, ये इलेक्ट्रॉन यहां से हाँ और ये यहां से हाँ, तो ये जो कीटो में जाएगा तो ये बनेगा ओ एम ई और ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी एच टू सी एच टू और ये सी ओ एच, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा इस फर्स्ट रिएजेंट से। ये वाला जो बनेगा वो किससे बनेगा, फर्स्ट रिएजेंट से बनेगा। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाइए AgNO3 NH4 OH से, किससे करवाइए AgNO3 NH4 OH, तो इसको हम बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट, और टोलेंस रिएजेंट किसका ऑक्सीडेशन करता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन करता है, किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहां बनेगा ओ एम ई एजिट रह गया, उसके बाद ये सी ओ सी एच टू सी ओ माइनस, इसका मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया, सिंस रिएक्शन बेसिक मीडियम हुई है इसलिए ये सोल्ट फॉर्म में रहेगा। उसके बाद आपको दिया है जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, इसको हम बोलते हैं किलमेंसन रिडक्शन, और किलमेंसन रिडक्शन किसका होता है बेटा, किलमेंसन रिडक्शन होता है किसका, कार्बोनिल ग्रुप का एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का, जो CO ग्रुप को CH2 में रिड्यूस कर देता है, मतलब ये किस में चला जाएगा CH2 में, साथ के साथ आपको HCl दिया हो तो यहां वापस से H सप्लाई हो जाएगी, तो यहां जो प्रोडक्ट जो क्यों आने वाला है वो क्यों प्रोडक्ट ये आने वाला है OMe, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें सी एच टू में, बाकी और सी एच टू था एक सी एच टू है, और फाइनली ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया सी ओ एच में, तो ये आपका आया है क्यों, कौन सा आया है क्यों। अगर ऐसा क्यों अगर आप देखोगे तो ऐसा क्यों आपके पास केवल फर्स्ट ऑप्शन में है ये वाला क्यों, ठीक है। अब उसके बाद क्यों की रिएक्शन करवाइए किससे, SOCl2 और पिरिडीन से, क्यों आपको समझ में आ गया, तो क्यों कैसे बना समझ में आ गया क्यों ये जो बना। अब मैं बात करता हूं क्यों की, आगे रिएक्शन प्रोसीड करवाता हूं। अब इस क्यों की रिएक्शन करवाई है, इसी क्यों की रिएक्शन करवाई है SOCl2 और पिरिडीन से, तो SOCl2 इस OH ग्रुप की जगह क्या सप्लाई कर देगा, Cl सप्लाई कर देगा, तो पहले बन जाएगा ये वाला OMe, ठीक है, और इधर ये CH2 ये CH2 ये CH2 और ये CO और ये Cl, ये वाला प्रोडक्ट। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाइए किससे, AlCl3 से, तो आप देखिए यहां इंट्रा मोलिक्यूलर फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन,
इस पे क्या हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी। AlCl3 इस Cl को रिमूव कर लेगा और ये एसाइलियम आयन यहां अटैक कर जाएगा। अब कईयों के दिमाग में आएगा सर कि OME प्लस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है तो इस ऑर्थो पे, पैरा पे तो जा नहीं सकता, पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, इस ऑर्थो पे जाएगा? नहीं, इस ऑर्थो पे जाएगा तो ये ब्रिज पोर्शन बीच में पॉसिबल नहीं है। यहां पे रिंग की स्टेबिलिटी भी यहां पे जरूरी है क्योंकि इस CH2 का लग रहा है प्लस एच, तो ये भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, तो इस ऑर्थो पे आ जाएगा। स्टेबल रिंग का फॉर्मेशन होना जरूरी है, सिक्स मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा OME और ये C डबल बॉन्ड O CH2 और ये वाला प्रोडक्ट है आपका R। तो R ये प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, R ये रहा, ठीक है, ये वाला R दिया हुआ है। उसके बाद इसकी रिएक्शन वापस से करवाई किससे, जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl से, तो वापस से इसकी रिएक्शन जिंक अमलगम Hg और कंसंट्रेट HCl, तो यहां पे ये CO ग्रुप वापस से रिड्यूस हो जाएगा किसमें, CH2 में, तो फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा OME और ये CH2, ये वाला प्रोडक्ट आपका आएगा वो आएगा S। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा कहां दिया हुआ है, क्यों और R दोनों सही है, क्यों कहां कहां आपके पास बोला है, तो क्यों तो सही है, R भी सही है, R हमारा प्रोडक्ट यही बना है, ठीक है। फिर यहां क्यों और S ये गलत है, क्यों ये नहीं है, फिर R ये प्रोडक्ट है, S ये प्रोडक्ट है, तो ये स्टेटमेंट सही है, थर्ड भी सही है, और यहां वाला R अपना ये वाला प्रोडक्ट नहीं है तो ये गलत हो गया क्योंकि यहां डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो आंसर जो जाएगा वो फर्स्ट और थर्ड जाएगा, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। अच्छा क्वेश्चन था, हाइड्रोकार्बन से लेके कार्बोनिल तक उसने अटैच करवाया है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का कंसेप्ट भी इसमें पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव एन एरोमेटिक कंपाउंड इज द मेजर प्रोडक्ट। ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या करता है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्या करता है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है, और जब ये डीहाइड्रो हेलोजिन करेगा तो इस बी आर के रेस्पेक्ट में एल्फा और ये एच और ये एच बी आर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो इसमें तो क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और ये वाला प्रोडक्ट क्या है, एंटी एरोमेटिक, क्यों, क्योंकि 4n pi इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं साइक्लिक सिस्टम में, तब तो एंटी एरोमेटिक, और 4n प्लस 2 pi इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं तब वो एरोमेटिक, तो ये वाला नहीं आएगा। एनेओमी ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी यहां से क्या करेगा, एच को रिमूव करेगा, ये एच एसिडिक नेचर की है, ये वाला बनाएगा, और ये 6 pi इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 pi का मतलब 4n प्लस 2 pi, जहां n की वैल्यू 1 हो गई, ये क्या इस नेचर का हो गया, एरोमेटिक नेचर का हो गया। फिर बोला है एल्कोहलिक OH, तो एल्कोहलिक OH HBr को बाहर करता है, NaNH2 भी क्या करता है, HBr को बाहर करता है, 2 टाइम्स HBr बाहर होगा, यहां से पहले HBr ये बाहर हो जाएगा, तो पहले जो प्रोडक्ट बनेगा अल्फा और बीटा, तो पहले प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3 और ये BR, CH3 और ये BR डबल बॉन्ड CH और ये H। अब NaNH2 और स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये इस HBr को भी क्या कर देगा, बाहर कर देगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH बना देगा। फिर दिया है आपको रेड हॉट आयरन ट्यूब, Fe ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब आपको दिया है, रेड हॉट आयरन ट्यूब अभी मैंने पीछे रिएक्शन बताई थी, साइक्लिक ट्राइमराइजेशन होगा और फाइनली बनेगा 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, जो कि किस नेचर का है, एरोमेटिक नेचर का है, तो इसमें भी एरोमेटिक बना है, इसमें भी एरोमेटिक बना है, इसमें एंटी एरोमेटिक बना है, तो ये वाला नहीं आएगा। लास्ट वाली रिएक्शन देखते हैं, Cl2 एक्सिस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और बनेगा कंपाउंड ये वाला, Cl2 का एडिशन हो जाएगा, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, और यहां जो प्रोडक्ट बना है वो बना है C6 H6 Cl6
बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन या बेंजीन, सॉरी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, और दूसरा नाम गेमेक्सेन भी बोलते हैं, एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये वाला आंसर में नहीं आएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड करेक्ट आंसर, एरोमेटिक कंसेप्ट और रिएक्शन कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो भी पूछी है और रिएक्शन भी पूछी है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी लाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में, एल्केन की sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो थोड़ा सा समझिएगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ये जो कंपाउंड है वो 1.0 मोल है और ये बोला हुआ है एनायनोमेरिकली प्योर, मतलब ये 100% या तो डी फॉर्म है या 100% एल फॉर्म है, एनायनोमेरिकली प्योर फॉर्म है, ठीक है, एक ही फॉर्म है, ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योर है, यहां पे एनायनोमर एक्सेस 0% है, किसी भी एक एनायनोमर एक्सेस 100% है, ऑप्टिकल प्योर फॉर्म है, और ऑप्टिकल प्योर फॉर्म है मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि एनायनोमर के लिए प्योर का मतलब है या तो 100% डी या 100% एल फॉर्म है। तो यहां जो कंपाउंड दिया हुआ ना वो ये दिया हुआ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CH3 CH2 फिर CH2 और यहां पे BR और ये H और ये CH3, ये प्योर फॉर्म है, जो भी है ये प्योर फॉर्म है, या तो 100% D है या 100% L है। अब आप इसका ब्रोमिनेशन करवाओगे तो यहां भी ब्रोमिनेशन होगा, यहां भी ब्रोमिनेशन होगा, यहां भी ब्रोमिनेशन होगा, यहां भी ब्रोमिनेशन होगा और यहां भी ब्रोमिनेशन होगा, इतनी जगह पॉसिबल ब्रोमिनेशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि मैं एक एक पोर्शन पे ब्रोमिनेशन करवाता हूं। पहली पोर्शन पे ब्रोमिनेशन हुआ CH2 Br और बाकी ये CH2, ये CH2 और ये Br और ये H और ये CH3, एक प्रोडक्ट बना, नया कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ है, ये जो कायरल सेंटर है वही है और ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि हमें बोला हुआ है OA का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ये एनायनोमेरिकली प्योर फॉर्म है। तो दूसरे पोर्शन पर टेक करवाएं तो CH3, अब इस कार्बन पर टेक करवाएं तो Br और ये H, फिर ये CH2 और ये एजिट है, ये Br, ये H और ये CH3, एक नया कायरल सेंटर आपके पास जनरेट हुआ है। ये Br इस साइड भी आ सकता है, Br उस साइड भी जा सकता है, फ्री रेडिकल पे रिएक्शन हुई है, फ्री रेडिकल प्लेनर होता है, तो जो Br रेडिकल आ रहा है वो अबाउ द प्लेन भी आ सकता है, बिलो द प्लेन भी आ सकता है। तो इसी पे दूसरी पॉसिबिलिटी जनरेट होगी कि एक प्रोडक्ट बनेगा ये वाला CH3 Br, उधर दिखा देता हूं, ये एच, इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको फिक्स करके दिया हुआ है, प्योर फॉर्म में दिया हुआ है एच CH3। अब इस कंपाउंड में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये वाली POS, तो ये तो क्या हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव। फिर नीचे वाली कंडीशन पे और रिएक्शन करवाते हैं CH3 CH2, फिर यहां पे मैंने ये Br और ये H नया, और ये Br H ऑलरेडी आपको क्या करना है, फिक्स करना है, और ये CH3, तो यहां भी एक नया कायरल सेंटर जनरेट हुआ है, इसमें भी Br दोनों तरफ जा सकता है, तो यहां एक पॉसिबिलिटी इसकी भी आएगी CH2, ये Br और ये H, ये एजिट रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है, और ये CH3, इसमें भी प्लेन नहीं लगेगी, इसमें भी प्लेन लगेगी नहीं लगेगी, दोनों में ही प्लेन नहीं लग रही, इसका मतलब ये भी ऑप्टिकल एक्टिव और ये भी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव। यहां पे इस कार्बन पे जहां पे Br लगा हुआ है तो CH3 CH2 CH2, फिर यहां पे ये Br और इधर Br और ये H, ये कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। अब लास्ट वाली पॉसिबिलिटी बची है CH3 CH2 और ये CH2 और ये Br और ये H और ये CH2 Br, यहां भी कायरल सेंटर नहीं बना है तो ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव।
अब हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट, कितने कायरल प्रोडक्ट होंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट आर कायरल प्रोडक्ट, ऑप्टिकली एक्टिव है वो कायरल है, तो ये कायरल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी कायरल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी कायरल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी कायरल है, सॉरी ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि ये कायरल सेंटर है, हमें दिया हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव, एनहांसमेंट ग्रिल पे हो रहा है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बाकी सभी ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो 1, 2, 3, 5 जो कंपाउंड है वो आपके पास क्या बने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा 005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं, इसका आंसर जाएगा ये वाला, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज आर। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट फॉर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के लिए क्या कंसेप्ट होता है, एरोमेटिसिटी के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है साइक्लिक प्लेनर, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर सिस्टम हैव 4n+2π इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड। मतलब साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, प्लेनर सिस्टम होना चाहिए, और वो 4n+2π इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होने चाहिए, डीलोकेलाइज्ड होने चाहिए। तो यहां पे मैं बात करूं प्लेनर नहीं है क्योंकि बीच में sp3 आ गया, तो ये कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है। यहां 2π इलेक्ट्रॉन इसके 2π नेगेटिव चार्ज के 4n π को फॉलो करता है, और 4n π को फॉलो करता है तो वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम होता है। यहां 2π sp2 बाकी सभी sp2 है, sp2 ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि प्लेनर सिस्टम है इसलिए बाकी सभी sp2 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 4n+2π को फॉलो कर रहा है और क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। यहां पे ये sp3 आ गया, तो sp3 आती है तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इस पर बात करें तो 6π इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो ये भी 4n+2π को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, सभी sp2 है तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। यहां पे बात करें तो 2, 2, 4 पॉजिटिव का मतलब 4n π को फॉलो कर रहा है, प्लेनर है, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करें तो 6π को फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। यहां ये वाली रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक। तो कंपाउंड को तो एरोमेटिक बोला जा सकता है, यहां ये तीनों ही रिंग क्या है, एरोमेटिक, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक। हमें पूछा हुआ है अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सभी को आना भी चाहिए, इसलिए मैं एरोमेटिसिटी कंसेप्ट पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। जो एरोमेटिक कंपाउंड है एक, उसके बाद 2, 3, 4, 5, मतलब आंसर जो जाएगा वो जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखें, और आजकल ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड हो गया है, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से समझें आप। फॉर द गिवन कंपाउंड अक्ष, आपको एक अक्ष कंपाउंड दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर, बात कर रहा है ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर की, मतलब वो आइसोमर जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो। ये बोल रहा है कि जहां ये डार्क लाइन दिखाई गई है, दिस टाइप बॉन्ड इंडिकेटेड द कॉन्फिगरेशन एट द स्पेसिफिक कार्बन एंड द ज्योमेट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इज फिक्स्ड, मतलब आपको यहां कोई चेंज नहीं कर सकते, आप यहां इस डबल बॉन्ड के अराउंड चेंज नहीं कर सकते, इस डबल बॉन्ड के अराउंड आप चेंज नहीं कर सकते, इस OH के अराउंड आप चेंज नहीं कर सकते, यहां आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। और दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इंडिकेटेड दैट कॉन्फिगरेशन एट द स्पेसिफिक कार्बन एंड द ज्योमेट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स्ड, यहां पे और यहां पे क्या नहीं किया है, फिक्स नहीं किया है। और पूछा है टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने बनेंगे, करें सॉल्व, देखें। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो बड़ा ध्यान से देखना, एक सिस्टमेटिक ढंग से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, आप डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे,
इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये कंपाउंड है। अच्छा, ये OH आपको फिक्स करके दिया हुआ है और ये वाला OH भी फिक्स करके दिया हुआ है, ठीक है। यहां ये फिक्स करके दिया हुआ है और यहां ये डबल बॉन्ड फिक्स करके दिया हुआ है बाकी एजिट, और यहां ये OH फिक्स करके दिया हुआ है। मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, E, और ये E रहेगा, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, एंटीजन दोनों अपोजिट है तो ये E कॉन्फ़िगरेशन, ये फिक्स है जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। इस OH का, इसका भी उसने फिक्स कर रखा है, मान लो ये R है या S है, जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो मैं मान लेता हूं लेट दिस हैव आर कॉन्फ़िगरेशन, मान लेता हूं मैं ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आर कॉन्फ़िगरेशन है। आप निकाल भी सकते हो या फिर मान भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, एक फिक्स कर दिया कि इसको फिक्स करना है, आपको इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब नीचे जो दिया है ना, यहां और ये डबल बॉन्ड और ये, इसमें आप चेंज कर सकते हो, यहां भी चेंज कर सकते हो और इस डबल बॉन्ड के अराउंड भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहां नीचे चेंज करता हूं कि मैं पहले इस नीचे वाले ग्रुप को अबाउ द प्लेन ही रखता हूं, ये लो इस पे रखा मैंने, और डबल बॉन्ड की जो ज्योमेट्री है वो मैं ई रखता हूं। डबल बॉन्ड की ज्योमेट्री मैंने क्या रखी, ई रखी। इसको मैंने पहली कंडीशन में कहां लिया, इस पे ले लिया, अबाउ द प्लेन वाले पे, और इस डबल बॉन्ड को मैंने कहां रखा, ई पे रखा, ठीक है, यहां ई पे रखा। अब यहां पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये आर आ सकता है और इसी कॉन्फिगरेशन पे इसको ई रखा, और एक बार ये एस आ सकता है, ठीक है। अब अगर आपने ऊपर वाले को ई, यहां ये पार्ट सेम हो गया, ये पार्ट सेम हो गया, अगर ऊपर आर है और नीचे वाला जब आप एस रखोगे, ऊपर वाला आर है नीचे वाला एस है, या ऊपर वाला एस है नीचे वाला आर है, तो प्लेन पॉसिबल होगी, प्लेन लगेगी, क्योंकि आप क्या कहते हो कि किसी भी मॉलिक्यूल की वह इमेजिनरी प्लेन जिससे मॉलिक्यूल को अगर हम बाइसेक्ट करें तो वो दो बराबर भागों में कट जाए, मतलब ऊपर वाला पार्ट आर है तो नीचे वाला पार्ट क्या होना चाहिए एस, दोनों भाग एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होने चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये आर है और आपने यहां एस रखा है, उस कंडीशन में इसको जब आप एस मानोगे, ये ट्रिप, ये ई कॉन्फिगरेशन के सामने ई आएगा, अबाउ द प्लेन के सामने अबाउ द प्लेन आएगा, इसके सामने ये आएगा, और ये आर है और ये एस है, तो उस कंडीशन में इसमें पीओएस क्या हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी। तो ये जो आपने आर ये एस बना ना, ये वाला ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि आर के सामने आर आ गया, बट ये वाला क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब मैं इसी पे रखता हूं और ये जेड, अब तो यहां कॉन्फिगरेशन चेंज हो गया, तो प्लेन लगने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। जेड के साथ इसको आर माना और इसी पे माना मैंने जेड और इसको एस माना, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। ये कब है, जब मैंने अबाउ द प्लेन रखा है। अब मैं मानता हूं कि ये बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन में ई कॉन्फ़िगरेशन है, ई के साथ ये आर है, ये बिलो द कॉन्फ़िगरेशन, ई के साथ ये एस है। बिलो द प्लेन में मैंने जेड माना, जेड के साथ आर है, बिलो द पे मैंने इसको जेड माना, जेड के साथ एस है। अब ये बिलो द प्लेन आ गया तो प्लेन लगने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो यहां ये चारों ही क्या आएंगे, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये चारों ऑप्टिकली एक्टिव है, यहां तीन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव जो आएंगे वो आएंगे सेवन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा सेवन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिस्टमेटिक ढंग से आपको करना होता है, या आप बना बना के चेक करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यही बोल क्लियर अगर हो रहा है, यहां डाउट यही हो रहा है कि ये अगर आर है नीचे वाला एस है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। आपको पहले H2PDBSO4 क्विनोलोइन दिया हुआ है, आपको पता होगा इसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, और ये लिंडलार कैटलिस्ट करता क्या है, सिन एडिशन करता है, दो हाइड्रोजन का रिडक्शन करता है। तो पहले अगर ये रिएक्शन करेगा, फर्स्ट रिएजेंट से ये रिएक्शन करेगा तो सिन एडिशन होगा और पहले बनेगा ये वाला,
येलो, कैसा एडिशन हुआ? सिन एडिशन, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन कराया डाइल्यूट केमनो फोर एक्सेस में दिया है और ये है बेयर एजेंट और ये क्या करता है हाइड्रोक्सीलेशन, ये हाइड्रोक्सीलेशन करता है। तो आपको बोला है कि मेजर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये हर एक डबल बॉन्ड पे हाइड्रोक्सीलेशन करता है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें यहां दो OH आ गए, उसके बाद ये यहां दो OH आ गए और इस डबल बॉन्ड पे दो OH आ गए, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब 6 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फाइनल क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कंसीडरिंग बोथ स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमर, आपको दोनों बनाने हैं, स्ट्रक्चर बनाने हैं और स्टीरियो बनाना है। साइक्लिक ईथर विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C4H8O और इसके पॉसिबल साइक्लिक ईथर आपको बनाने हैं। तो सिंपलेस्ट इथर, सबसे पहले आप ये देखें कि चार कार्बन के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी वो ये वाली और बनाने केवल इथर ही है, चार ही कार्बन है, फॉर्मूला को लग रहेगा फर्स्ट ये बनेगा। सेकंड, आप रिंग को और छोटा कर दें, तीन कार्बन रिंग में ले आए, अब आपके पास एक कार्बन बच गया CH3 फॉर्म में, उसको यहां लगा सकते हैं और उसको आप यहां लगा सकते हैं। यहां लगाओगे तो एक काइरल सेंटर बनेगा, जैसे ही काइरल सेंटर बनेगा इसका एक R बनेगा और एक S बनेगा, इसका एक R फॉर्म बनेगा एक S बनेगा, मतलब इससे दो बनेंगे और इसका एक ही बनेगा। यहां काइरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ है तो यहां से भी एक ही बनेगा। ओके, अब मैं इसको और स्मॉल कर देता हूं, अब मैं कर देता हूं इसको इस रिंग में ले आता हूं। अब दो कार्बन आए, दो कार्बन रिमेनिंग है, तो दो कार्बन को एक साथ इथाइल फॉर्म में लगा सकते हो, इथाइल फॉर्म में लगाते ये काइरल सेंटर बन गया, अब इसका आर भी बनेगा और एस भी बनेगा, मतलब दो बनेंगे इससे, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना, आर और एस दोनों फॉर्म बनेंगे। या फिर मैं दोनों को एक साथ CH3 CH3 करता हूं, काइरल सेंटर नहीं हुआ तो ये एक ही बनेगा, या फिर मैं इन दोनों को ऐसे लगा सकता हूं तो ये भी काइरल सेंटर और ये भी काइरल सेंटर, तो इस कंडीशन में दोनों आर आर हो सकते हैं, दोनों एस एस हो सकते हैं, एक आर और एक एस हो सकता है। तो यहां से कितने आ गए, तीन आ गए, तो 3, 1, 4, 4, 2, 6 और 6 और 4, 10, मतलब टोटल आइसोमर जो आएंगे वो आएंगे 10। तो ये पार्ट था हमारा नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म जीओसी और हाइड्रोकार्बन का पार्ट, जहां प्रीवियस ईयर 2016 से 2019 तक जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपको सोल्व कराए हैं। साथ में आप ये भी देखें कि कहां कहां से मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट आपका काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जहां हम बात करेंगे हेलोजन डेरिवेटिव की, कार्बोनिल कंपाउंड की।